हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके बालों को काला करने के लिए बहुत ही अमेजिंग रेमेडी लेकर आई हूँ, जो कि मेहंदी में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है और ये एक ही बार में आपके बालों को काला कर देगा। और हाँ, वीडियो पसंद आएगी तो शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा विद बेल आइकन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है कोई भी पैन, लोहे का हो, अल्मोनियम का हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसे बस एक ग्लास पानी डालिए। और इसमें अब आपने डालना है चाय पत्ती, जो कि हम सभी डेली लाइफ में यूज़ करते ही करते और सबके घर में ये इजीली अवेलेबल रहती है। तो आपने ये एक से दो बड़े चम्मच चाय पत्ती के डाल देने हैं और बस इसको बॉयल करने आप रख दीजिए तेज़ गैस में। और बस आपने अब इसमें डालना है कॉफ़ी पाउडर 1 टीस्पून। आप जो भी कॉफ़ी यूज़ करते हो, अगर आपके पास पाउच है तो आप तो एक पाउच इसमें डाल दीजिए। ये भी हमारे बालों को काला करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है, शाइन देता है बहुत ही प्यारी सी। और बस इसके बाद आपने डालना है दालचीनी। अगर आपके पास पाउडर है तो वो आप डायरेक्ट रेमेडी में डालिए, नहीं तो आपने इस तरह से दालचीनी के थोड़े से लेके डालने इसमें डालने हैं, यानी कि 1/2 टीस्पून के बराबर हो ये। और ये बहुत ही कमाल का है, आपके बालों को इतना घना करेगा, लंबा करेगा, जड़ से मजबूत करेगा और साथ ही साथ ये आपके बालों को काला करता है, जड़ से जितने भी ग्रे हेयर है ना उन सबको रिवर्स करता है, धीरे धीरे काला बनाता है और बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करता है। तो आपने ये डालना है अच्छी तरह से 5 मिनट तक के लिए बॉयल करना है। पानी अगर कम हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि बॉयल करोगे तो पानी नॉर्मल है, कम होगा। और बस आपने इसको इस तरह से स्ट्रेन कर लेना है और बस हल्का सा आपने इसको ठंडा कर लेना है। फिर ये इतना पावरफुल इसका पानी बन करके तैयार हुआ है ना, ये अगर आप नॉर्मली हेयर वॉश करने के बाद इसको लगाते हो अपने बालों की जड़ों में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। इसके बाद आप 5 से 10 मिनट रख के वॉश कर दीजिए नॉर्मल पानी से, काफ़ी कमाल का आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप मेहंदी नहीं लगाते हो तो। तो अब आपने क्या करना है, लोहे की कढ़ाई लेनी है। जी हाँ, लोहे की कढ़ाई लेनी है। आपने ये जो साइड में जंग लगा हुआ है इसको ऐसे ही रहन दीजिएगा, इसको रिमूव नहीं कीजिएगा, ताकि इसका प्रॉपर रिजल्ट हमें मिल सके। ये बालों को काला करने काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है। और अब आप जो भी मेहंदी यूज़ करते हो वो ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर नेहा की मेहंदी ली है, 10 रुपये वाला पाउच जो आता है, तो यहाँ पर मैंने 2 ले लिया है बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग। इसमें हमने डाल देना है और बस जो पानी बनाया था ना वो ऐड कर देना है और इसमें आपने कुछ भी नहीं डालना है। और हाँ जी, अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सूखे हैं, ड्राई हैं, काफ़ी रफ हैं, तो आप इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच मेहंदी की डाल दीजिए, नहीं तो एग डाल दीजिएगा, नहीं तो आप इस तरह से ही लगाएगा। मैंने तो इस तरह से लगाया, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आया था। तो इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रहने पाए, ताकि हमारे बालों पे ये प्रॉपर वे से अच्छी तरह से लगे, अपना वर्क करे। तो इसको अच्छी तरह से आपने भिगो के, और ये देखिए अभी इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ये मेरे हाथों को झटपट काला कर दे रहा है। मैंने थोड़ी सी मेहंदी इसमें लगाई और ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह से मेरे हाथ को काला कर दिया था, थोड़ा ऑरेंज टाइप में डार्क रेड हो जाएंगे ये धीरे धीरे, तो बहुत ही अच्छा इसका कलर आने वाला है। या सोचिए आप कितना अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। तो बस आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ढक करके रख देना है पूरी रात के लिए। आपने ये बस रात में ही इस तरह से बनाना है, सोने से पहले आप इसको ढक के रख दीजिए 5 से 6 घंटे के लिए। अगर आप दिन में लगाओगे तो सुबह सुबह इसको भिगो दीजिएगा और फिर सारे काम ख़त्म करके आप ये लगा लीजिए, और कोई काम है इसको लगाने के बाद काम फिनिश कर लीजिए। और ये देखिए कितना अच्छा, कितना गाढ़ा कलर आया है ना इसका, बहुत ही अच्छा कलर है। मेहंदी का कलर कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया, ऐसे लग ही नहीं रहा है ये मेहंदी है, ऐसा डाई वर्क करेगा ये, बहुत ही अच्छी तरह से बालों को काला करेगा। बस आपने जिस तरह से बताऊंगी वैसे ही लगाना है, पूरी वीडियो देखिएगा। तो अब आपने क्या करना है, इसको अपने बालों पर लगाना है जड़ से लेकर हेयर लेंथ तक, अच्छी तरह से एक एक बाल को लगाइए, कलर कीजिए अच्छी तरह से, ग्लव्स ज़रूर पहनिएगा ताकि आपके हाथ गंदे ना हो, मेहंदी चढ़ जाती है। ये मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि ये घोलते समय ही चढ़ गई थी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और बस अपने बाल पर अच्छी तरह से इसको लगा लीजिए, कॉम की मदद से आपने कॉम करनी है साथ ही साथ, ताकि ये अच्छी तरह से आपके एक एक बालों पे लग जाए। उसके बाद आपने इसको 2 से 3 घंटे तक रहन देना है अपने बालों में इसी तरह से, और देन वॉश कर लीजिए नॉर्मल पानी से। और हाँ, लगाने से पहले आपने वॉश करना है, आपके बाल ऑयली नहीं होने चाहिए, जैसे आप मेहंदी लगाते हुए करते ही हो सेम वैसे ही करना है। और शैम्पू इसको लगाने के बाद आपने वॉश करना है, फिर शैम्पू यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल पानी से ही वॉश करना है। उसके बाद आपने ऑयलिंग कर लेनी है बालों को सुखाने के बाद। फिर नेक्स्ट डे आपने
शैम्पू कर लेना है और देखिएगा कितना अच्छा प्यारा सा कलर आएगा आपके बालों पर। तो इसको आप यूज़ कीजिएगा, अगर एक बार भी कलर नहीं चढ़ता है, जैसे अगर आपके बाल ज़्यादा वाइट है ना, तो एक बार में कलर नहीं चढ़ा तो आपने इसको 10 डेज़ में 2 बार लगाना है, फिर देखिएगा कितना प्यारा कलर आपको देखने को मिलेगा अपने बालों पर। और हाँ, अगर आप इसको थोड़े ठंडे मौसम में लगा रहे हैं तो पानी को, चाय पत्ती का जब पानी हम रेडी करते हैं तो आपने उसमें लौंग डाल देना है, तो आपको ठंड भी नहीं चढ़ेगी। तो इस तरह से आप लगाइएगा और अपना रिजल्ट में जो साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप दोस्तों आप सबको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। भर भर के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे न्यू और अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।